बोधो वो या कनस्ता ही। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने फैसला किया इस बड़े अहम मौके पे आपसे बात करने का, क्योंकि हमारा मुल्क वो उस मोड़ पे अल्लाह ने ला के खड़ा कर दिया है हमारे माल की वजह से, कि अगर हम अब सही फैसले नहीं करेंगे तो वो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल जाएगा। मैं बार बार लोगों को याद कराता हूं कि नमाज में हम सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। कौम भी आज उधर खड़ी हुई है, एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ी है। डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। एक कौम कामयाब होती है या नहीं होती, उसकी बुनियाद रखी जाती है इंसाफ पे, रूल ऑफ लॉ अंग्रेजी में उसे कहते हैं, कानून की हुक्मरानी कहते हैं। सब इंसान उस जिस माशरे में कानून के सामने एक बराबर होते हैं वो कौमें ऊपर चली जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा कि जो कौम में ताकतवर जब जुर्म करता है उसको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमजोर को पकड़ती हैं वो तबाह हो जाती है। आज अगर आपने सारी दुनिया में खुशहाली देखनी है और गुर्बत देखनी है तो एक ही चीज है जो फर्क करती है, वसाइल नहीं। जो कौमें खुशहाल हैं वहां कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और जो तबाह है उस सारी वसाइल के बावजूद जंगल का कानून है, ताकत की हुक्मरानी है, माइट इज राइट है। जो ताकतवर फैसला करता है उस मुल्क की अदालतें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अदालतों का काम होता है कमजोर और ताकतवर को एक बराबर रखना। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, पहली तकरीर उनकी कि मैं ताकतवर और कमजोर को एक बराबर करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इंसाफ करूंगा, कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं है। हजरत अली खलीफा बने, पहली स्टेटमेंट, सबकी मिशन स्टेटमेंट थी, मैं इंसाफ करूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम उधर खड़े हुए हैं कि एक तरफ एक ताकतवर टोला, माफियाज जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक करके भगाया इन्होंने, फिर पैसे चलाए बाकी जजेस के ऊपर, ब्रीफ केस चले, कोयटा बेंच को खरीदा गया, टेलीफोन कर करके फैसले लिए कि जज साहब इसको फलाने को इतनी कैद करना। आदत पड़ी हुई है इनको कि अपने जजेस, अपनी जुडिशरी को कंट्रोल करें, कोई इंसाफ इस मुल्क में ना आने दें, क्योंकि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मार्शल लॉ लगता था, कानून खत्म, इंसाफ खत्म। तो आज हम उधर खड़े हैं कि इस वक्त आईन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सारी कौम अब अपनी अदलिया की तरफ देख रही है। और जो दूसरी तरफ है, सारा जो टोला जमा हुआ हुआ है स्टेटस को का, माफियाज जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल से चोरी करके लूटा, पैसा बाहर भिजवाया, और उनका एक मकसद है किसी तरह वो पैसा बच जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि उनका पैसा खतरे में आ जाए जो इतनी मेहनत से उन्होंने चोरी किया। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको, सारे जो दो पाकिस्तान का पैसा था, सरे माल का यहां से चोरी होकर पैसा गया था, सरे माल खरीदा, स्विट्जरलैंड में 60 मिलियन डॉलर पड़े हुए थे, एक एनआरओ दे के उनको माफ कर दिया। उधर से हुदैबा पेपर मिल 90 की दिहाई में 1 अरब रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी शरीफ खानदान ने, उसके ऊपर उसको रोक दिया डील करके। कोई हुक्म, कोई जनरल मुशर्रफ या किसी जनरल को इख्तियार ही नहीं दिया हुआ, कोई आइन इख्तियार नहीं देता कि आप कौम का पैसा, करप्शन कौम का पैसा होता है, घर में चोरी होती है तो मेरा पैसा है, मैं माफ कर दूं।
लेकिन कौम की चोरी का पैसा कोई माफ नहीं कर सकता। लेकिन यहां हुआ वही साहिब इक्तदार वही माफियाज कानून के ऊपर आ गए और मेरे सारे 3 साल लगे रहे कि जी हमें एनआरओ दो, जब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी एनआरओ दो, और बदकिस्मती से इनको एनआरओ मिला, जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस एनआरओ को अब बचाया जाए। और इनको खतरा सिर्फ एक आदमी से है और उसकी पार्टी से, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। सो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान इक्तदार पर ना आ जाए, और अगर वो आ गया तो इनका एनआरओ खतरे में आ जाएगा। अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए। ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है और इनके पीछे जो लोग हैं, वो सिर्फ जात के लिए इस मुल्क को आज इधर ला के उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो मैं बताऊंगा कि हम खड़े किधर हैं आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पता था ये होना है, ये सारों को नजर आ रहा था कि इन ये आएंगे, इनका कोई मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, नहीं तो 30 साल इन दोनों खानदानों ने बारियां ली हैं, पाकिस्तान तो बांग्लादेश के भी पीछे चला गया, तो अब इन्होंने कैसे ठीक करना था। तो सबको पता था ये क्यों आ रहे हैं, और इनको ऊपर जब मसलत किया गया, और उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। तो मैं आज पहले तो अपनी अदलिया को अपनी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारी सारी उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदलिया से, बदकिस्मती से माजी में हमारी जो अदलिया का रोल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती थी, उन्होंने कमजोर का साथ नहीं दिया, उन्होंने हमेशा वो जो नजरिया जरूरत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसके तहत उन्होंने बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिधर जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है वहां जमहूरियत नहीं है। कोई ये ना समझे कि जिधर जंगल का कानून है वहां जमहूरियत आएगी, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं, कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए, कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां, क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया यहां। मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नजरिया जरूरत आ जाती थी, और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था तो इन्होंने भी अदलिया के निजाम को चेंज किया, जो डंडे मार के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उसके अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, वो एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, मार्शल लॉ ने नहीं किया। इनको इतना खौफ था आजाद अदलिया से, क्योंकि ये जब चोरी करते हैं तो ये देख ही नहीं सकते कि उस मुल्क की अदलिया आजाद हो जाए, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, और वही सजाद अली शाह कर रहे थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और इन्होंने उसको अटैक करके हटाया गया, जजेस खरीदे, बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, और आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं, हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे, और उसके लिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप, इनके इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया, और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की, बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद, 90 के एक दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आइनी हो जाएंगी, इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को, क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है,
उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाजे है, उसके बावजूद ये कहना ये कोशिश कर रहे हैं, और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क पर मसलत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। डेढ़ साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि चार लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया, तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जरूरत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जरूरत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं, और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल में सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ, और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शरायत है, इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से जेल से बाहर भागा हुआ है, झूठ के ऊपर ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाईकोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का, मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके, हर फैसला करती है हैंडलर्स जो पीछे कहते हैं। दो जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन्होंने, हमने इतने नाम भी वैसे दिए जो कि गैर जानबदार थे, इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया है जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ का उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया, तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो। जब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कह दूं कि जितनी भी देर आप कर लें रिजल्ट वही निकल रहे हैं, जितनी धांधली कर लें रिजल्ट वही निकल रहा है, लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी दो गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानबदार लोग एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं नजर आ रही, जितनी देर ये बैठे रहेंगे ये और हम डूबते जा रहे हैं। मेरे पास अदाद व शुमार हैं, मैं ये फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हैं, कैसे इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका अब गुजारा करेगा। और अभी शुरुआत है, अभी जो IMF के साथ इन्होंने तय किए कंडीशंस, उसके बाद जो अब लहर आने लगी है महंगाई की, कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा जो आज हालात है, अभी मजीद जो आगे होंगे वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग।
तो मैं सबसे पहले दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता था, हमारे पुराने आर्मी चीफ, उन्होंने एक सहाफी को एक इंटरव्यू दिया या और उसने फिर कॉलम भी लिखी, उसमें उसने दो तीन चीजें ऐसे कही, तो मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करना चाहता हूं कि अगर अगर हमारे मुल्क ने अब इस दलदल से निकलना है तो पाकिस्तान को ऐसे हमें चलाना पड़ेगा जो अब तक हम नहीं चला पा रहे, और उसके लिए सबसे पहली चीज होगी रूल ऑफ लॉ। जब तक हम सबको कानून के नीचे नहीं रखते, जब तक आईन के दायरे में रह के इदारे और लोग काम नहीं करते, इससे अब हम नहीं निकल सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, एक है नेमतों का रास्ता, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक है तबाही का रास्ता, उस तरफ हम निकले हुए हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, सबसे पहले तो मैं, मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके, वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था, तो पहले तो उसने इकॉनमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की, फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकॉनमी तबाह कर दी, तो इकॉनमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो। देखिए ये आगे जो मैं अब मुल्क को आगे का सोच रहा हूं ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, देखें ये एक आदमी के पास जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, सवाए शहबाज शरीफ के दो टीटी केस और वो जो उसका एफआईए में मकसूद चपड़ासी वाला केस था 16 अरब का और टीटी का 8 अरब, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनके अलावा तो सारे पुराने केसेस थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे, सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पर गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है, पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे, फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी। और खुशकिस्मती से कोरोना के ऊपर हम एक पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बड़ा फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन होना, हम अपने लोगों को तबाही में नहीं डालने लगे, क्योंकि गरीब ने कुछ नहीं जाना था, अगर हम लॉकडाउन कर देते गरीब ने मर जाना था, तो हमने बड़ा फैसला किया था, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट की, तो वो तो ठीक चलता गया, बल्कि बड़ा अच्छा काम हुआ। और भी काम थे, मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा इशू बन सकता है पोलियो का पाकिस्तान में, उसके अंदर बॉर्डर एरियाज में बहुत मदद की उन्होंने, फिर टिडी का आ गया था वो जो लोकस्ट का था, मदद की उसमें। लेकिन जिधर फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था, आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे, उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान के कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है,
ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके, और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाने, और फैसला काफी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद यह है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है, लेकिन कौम आज सारा उस फैसले की कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है? तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इसने किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदार जिम्मेदारी लेता है उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है, वो आंसरेबल होता है। लेकिन ये आदमी आंसरेबल ही नहीं किसी का, जो मर्जी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया, जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल ये है कि चलती हुई इकॉनमी को जो आज इसने यहां पहुंचाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं ना जी कि बड़े बुरे हालात थे। मैं आपको IMF फरवरी 2022 में, आज से एक साल पहले, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर वो कमेंट करते हैं, समरी बनाते हैं, एग्जेक्टिव समरी। वो क्या कहता है? चार चीजें कहता है पाकिस्तान की, एक साल पहले, हमारी हुकूमत गिराने से डेढ़ महीना पहले। वो कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी वॉज ग्रोइंग फास्ट, तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, सस्टेनेबल, कि ये सस्टेन कर सकती थी, यानी ये एक वन ऑफ नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं लगा, ये सस्टेन करनी थी, यानी इसी तरह चलते रहना था। और उसमें वो क्या कहता है ये भी जरा सुने, वो कहता है कि सात सालों के अंदर पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास में इजाफा होगा, यानी जो मिडिल क्लास, जो जिनके हालात बेहतर होंगे, वो 6 करोड़ लोग ऊपर जाएंगे, मिडिल क्लास बनेंगे पाकिस्तान की, IMF कह रहा है। फिर कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? कि सिर्फ अमीर अमीर नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि सारा आबादी इसके अंदर शामिल थी, गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड। लैंसेट, जो कि दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल है, जो उन्हें सारी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स वो जर्नल पढ़ते हैं, जिसको लैंसेट कहते हैं, लैंसेट पाकिस्तान के हेल्थ कार्ड की तारीफ कर रहा था। और वो तारीफ इसलिए कर रहा था कि पहले तो ये निचले तबके को पहली दफा एक इंश्योरेंस मिली कि गरीब घराना किसी भी अस्पताल में जाके अपना 10 लाख तक इलाज करवा सकता था। ये उन्होंने लैंसेट लिखता है कि हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं थी जो पाकिस्तान में थी। और इसका जो दूसरा क्या पहलू था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है जो देहातों में नहीं जाता, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां देहातों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खाली पड़े होते हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते, नर्सेज नहीं जाते, वहां सारे बेचारे उधर से उठ के लोग आ जाते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स या बड़े शहरों में। तो पहली दफा प्राइवेट सेक्टर देहातों में जा रहा था, उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाने शुरू कर दिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो एक हेल्थ कवरेज का नेटवर्क बन रहा था पाकिस्तान में, जो कि इन्होंने आके खत्म किया। और क्यों किया? क्योंकि वो मरियम की वो ऑडियो लीक्स, उसमें वो कहती है कि इमरान खान को फायदा ना हो जाए, अपने तो खांसी भी हो और वो जुकाम भी हो तो बाहर चले जाते हैं सारा टब्बर इलाज करवाने के लिए, थोड़ी सी चीज हो पता चलता जी अब फिर लंदन पहुंच गए इलाज करवाने के लिए। और कोई ऐसा हो, दो दुनिया में सिर्फ मुल्क हैं जो कि मरियम बीबी का सिर्फ इलाज हो सकता था, वहां और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम आदमी का कभी सोचा कि गरीब घराने के अंदर जब एक बीमारी आ जाती है तो पता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है? सारा खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। ये सारी रिसर्च शो करती है कि एक बड़ी बीमारी वो लोग जो गुर्बत की लकीर से ऊपर होते हैं, एक बीमारी उनको नीचे ले जाती है गुर्बत की लकीर से। तो इन्होंने आके वो हेल्थ कार्ड खत्म किया जो कि हमारा, जब वो कहते हैं ना सिस्टेन, जब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सारी कौम को लेके, जब मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है तो लोगों को भी साथ हम लेके चल रहे थे। फिर एहसास प्रोग्राम, दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम जो निचले तबके के लिए था।
और ये स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा था एहसास प्रोग्राम की वजह से। वर्ल्ड बैंक सब ने तारीफें की पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम जो कि इंक्लूसिव रिसोर्स थी। तो ये IMF कह रहा है कि पहले तेजी से बढ़ रही है, फिर सस्टेनेबल है, यानी ये चलती जाएगी। और उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग उसमें आ जाएंगे मिडिल क्लास में ऊपर। फिर वो कहता है इंक्लूसिव है कि वो सिर्फ हमने अमीरों का नहीं सोचा, नीचे से भी उठा रहे हैं, जिसमें कामयाब पाकिस्तान भी था, कामयाब जवान था नौकरियां देने के। और जॉब रिच कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, यानी हम नौकरियां दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी पाकिस्तान में। फैसलाबाद जैसी जगह में जिधर हम जब 2018 में आए थे तो लोग अपनी फैक्ट्रियां बेच के उनको हाउसिंग स्टेट बना रहे थे, वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। हमारे दौर में 2022 के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा था कि हमारे पास मजदूर कम पड़ गए, हमें बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। और आज जाके जरा फैसलाबाद में पूछे कि हालात क्या है बेरोजगारी के। तो मैं अब उसके बाद सिर्फ 2-3 और चीजें कहना चाहता हूं, और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुल्क को बचा रहे थे, जनरल बाजवा इमरान खान को मुल्क से बचा रहे थे, तबाही से बचा रहे थे। तो ये जरा तबाही का जरा मैं सिर्फ कौम के सामने रखना चाहता हूं कि 10 महीने के अंदर क्या हुआ है पाकिस्तान में। जो इस मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, अगर आपके एक निचले तबके के खानदान के पास अगर 30,000 रुपए उनकी आमदनी थी, अगर 30,000 आमदनी थी पिछले साल की अप्रैल में, आज उसकी खरीदने की कैपेसिटी के वो कितनी चीजें खरीद सकता है, वो रह गई है 20,000। और लोगों की आमदनी से 30,000 में 10,000 रुपया गायब हो गया महंगाई की वजह से। और वो क्यों है, मैं जरा फिर से लोगों को बताना चाहता हूं कि वो मुल्क को जो बचाया जा रहा था इमरान खान से, वो जरा देखेंगे बचा के किया क्या मुल्क के साथ। और अभी IMF की जो अग्रीमेंट हुई है, ये महंगाई अभी आनी है, मजीद जो रुपया गिरा है इसकी और महंगाई आनी है। लेकिन अभी तक जो महंगाई है, मैं सिर्फ अप्रैल से अब तक आपको बता दूं, आटा बुनियादी चीज जो एक इंसान इस्तेमाल करता है आम आदमी, 1170 रुपया था 20 kg आटा हमारे दौर पर, आज वो चला गया 2400 पे, दुगना हो गया। घी 470 रुपए का जो घी पर केजी था हमारे दौर पे, आज 550 पे चला गया केजी। लेकिन जो मान सुनने वाली चीज है वो ये, हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, पाम ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मंडी के अंदर आधी हो गई है। उसका कोई फायदा पाकिस्तानियों को नहीं हुआ, क्योंकि यहां मजीद तकरीबन 100 रुपए और महंगा हो गया केजी पे। चिकन मुर्गी जो हम इस्तेमाल करते हैं, 268 रुपए केजी था हमारे जमाने में, आज 415 पे पहुंच गया। जो चावल 104 केजी हमारे जमाने में था, 172 केजी पे पहुंच गया। प्याज जो आम आदमी प्याज और रोटी खाने वाले लोग हैं, 62 रुपए किलो था प्याज, आज पहुंच गया 225 रुपए किलो। दूध जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए, 117 रुपए लीटर था, आज 153 रुपए लीटर पहुंच गया। जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, क्योंकि गैस सिर्फ जो पहुंचाई जाती है घरों में, वो सिर्फ 27% घरों में गैस पहुंचाई जाती है पाइप के जरिए, बाकी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे जमाने में 2470 रुपए सिलेंडर था, 2470 रुपए का सिलेंडर, वो आज 3400 रुपए पे पहुंच गया, 3400 रुपए पे। बिजली 16 रुपए यूनिट हमारे दौर में था, आज 36 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए का था, आज 250 रुपए पे पहुंच गया है। डीजल 145 रुपए का था, 263 रुपए पे पहुंच गया। डॉलर, और जिसकी वजह से बहुत जो महंगाई आ रही है, 178 रुपए डॉलर था हमारे दौर में, आज 270 पे पहुंच गया। और इसका अभी इफेक्ट आने वाला है।
میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا, بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا, ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا, فورن پالیسی تو وہ جانتا ہے, اکانومی وہ سمجھتا ہے, شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتا کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو, جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے انہیں اس کو لگا دو, فیصلے سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا, اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا, اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 million دیے جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے, ایک پاکستانی نے $30 million دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں, اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں, یہاں رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے, وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے, سرمایہ کاری انہوں وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ, لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استحکام نہیں آتا, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اکانومی اسٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ ہماری ان پالیسیز اور ان لوگوں نے, مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنے پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی, ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں گے جی آئی ایم ایف کو کہیں یہ چیز ہم مانتے یہ نہیں مانتے, کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے, ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ, اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے, جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جد و جہد ہے.
ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے, اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جد و جہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میں میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا, کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے, جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے, وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی, آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی, جدوجہد نہیں کرتی, کوئی ان کو آزادی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے, اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو, پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد.